आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। घर में घुसकर चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार, डभरा थाना की त्वरित कार्यवाही। चोरी में नियंत्रण करने वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर हुई कार्यवाही। आरोपी से 11,150 रुपए एवं एक जोड़ी सोने का फूली, एक जोड़ी चांदी का लच्छा, पायल, चाकू व डंडा बरामद। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती पारुल माथुर, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय महादेवा, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय डभरा श्री बी एस खुटिया के कुशल मार्गदर्शन पर क्षेत्र में चोरी पर नियंत्रण करने व संबंधित अपराध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्राप्त होने पर ग्राम बड़े कटे कोनी कासा भाटा से खोल बहरा उर्फ रूपलाल टंडन अपने परिवार के साथ घर झोपड़ी बनाकर रह रहा था, जो मछली बिक्री का 50,000 रुपये नकद व सोना चांदी अपने बक्से में रखा था, जिसे दिनांक 13 अप्रैल 2021 के रात्रि करीबन 11 बजे जब प्रार्थी घर में नहीं था, तभी महेंद्र टंडन पिता समयलाल टंडन निवासे कटेकोनी बड़े ने घर बक्सा में ताला तोड़कर नकदी 50,000 रुपये एवं पत्नी का गहना लच्छा पायल एक जोड़ी सोने का नाक की फूली कुल 40,000 रुपये का गहना चोरी कर लिया है। लड़का रुपेश टंडन के द्वारा चोरी करते देखने पर महेंद्र टंडन उसे चाकू से गला के पास मारकर चोट पहुंचाया। अगले दिन प्रार्थी द्वारा पूछने पर मेरे साथ भी महेंद्र टंडन ने लाठी से मारपीट किया है। दिनांक 15 मार्च 2021 को प्रार्थी रूपलाल टंडन की लिखित रिपोर्ट पर थाना डभरा में अपराध क्रमांक 171/2021 धारा 457 380 भारतीय दंड विधान अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तत्काल थाना स्थल पर टीम बनाकर आरोपी महेंद्र टंडन पिता समयलाल टंडन उम्र 26 वर्ष साकिन बड़े कटेकोनी थाना डभरा जिला जांजगीर चांपा को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जो मेमोरेंडम कथन के आधार पर खोलबहरा टंडन के घर घटना दिनांक रात्रि घुसकर बक्सा से ताला तोड़कर उक्त नकदी रकम व सोने चांदी को चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी महेंद्र टंडन से चोरी किए गए पैसा 50,000 रुपये में से 11,150 रुपये एवं एक जोड़ी चांदी का लच्छा पायल, एक जोड़ी सोने के नाक की फूली व चोट पहुंचाने में उपयोग किया हुआ एक चाकू व एक डंडा को पेश करने पर बरामद कर जब्ती किया गया है व आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक डी आर टंडन, उप निरीक्षक गोपाल सतपति, सहायक उप निरीक्षक एस एन मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक सी आर राम यादव, आरक्षक श्याम कुमार सांते, महिला आरक्षक शीला कश्यप का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।